हाय दोस्तों, क्रिएटिव मैथमेटिक्स इस अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिक पार्ट टू 10th स्टैंडर्ड का। उसमें से फर्स्ट चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 आज हम देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1.1 देखने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टी मालूम होनी बहुत ज़रूरी है। चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वह हमें स्टडी करनी बहुत जरूरी है। उसके ऊपर ही हमारे शुरुआत के 7 से 8 मिनट जा सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रॉपर्टी आपको नहीं आई, ये प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं समझ में आई, तो आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करते समय दिक्कत आ सकती है, ठीक है। लेकिन आगे जाने से पहले तो हम प्रॉपर्टी देखेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी देखने से पहले, आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ अभी के अभी अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक छोटा बेल का बटन रहता है, उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड किए हुए हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, ओके। और इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के नीचे मैंने एक लिंक दी है। उस लिंक पर क्लिक कर आप इस चैप्टर के नोट्स जो है वो पीडीएफ स्वरूप में अपने मोबाइल में सेव कर ले सकते हो। और इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर जो मैथमेटिक पार्ट वन का था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके ऊपर के सभी प्रैक्टिस सेट के और प्रॉब्लम सेट के वीडियो बनाकर हो चुके हैं। वह अगर वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे मैंने उसकी लिंक भी आपके साथ शेयर की है, ठीक है। तो अभी जाते हैं आगे। देखो, चार प्रॉपर्टीज, चैप्टर का नाम है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी हमने इक्वलिटी देखा था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल देखा था, अभी हमें सिमिलरिटी देखनी है। देखो, इक्वल और सिमिलर ये दोनों में बहुत फर्क रहता है दोस्तों। इक्वल मतलब क्या, देखो ये मेरा एक हाथ है और ये दूसरा हाथ है, दोनों को मैंने ज्वाइंट किया, एकदम परफेक्टली ज्वाइंट हो गए, ये इक्वल हो गए। उसी तरह से मेरे पास ये दो मार्कर है, ये दो मार्कर है, देखिए ये मार्कर इक्वल है, दोनों का हाइट कॉमन है, दोनों का ये नीचे का जो सर्कल है बेस भी कॉमन है, सभी कॉमन है, सभी इक्वल है, ये एकदम परफेक्टली मैच होते, तो इनको मैं इक्वल कहूँगा। उसी के साथ आपका जो ज्योमेट्री का बुक है उसमें के सभी पेजेस जो है वो एक दूसरे को इक्वल है, उनका एरिया भी इक्वल है, वो इक्वल हो गए। लेकिन सिमिलर मतलब क्या, देखो दिखते हैं एकदम सिमिलर, दिखते हैं एकदम इक्वल, दिखने में एकदम इक्वल दिखते हैं, लेकिन वो इक्वल नहीं रहते। दिखने में एक जैसे है, मतलब इक्वल नहीं समझो, दिखने में एक जैसे है लेकिन इक्वल नहीं। उसका मतलब क्या समझो, ताजमहल आपके पास है, आपने देखा ताजमहल, और उसी उस ताजमहल का जो छोटा सा जो मॉड्यूल रहता है उसमें फ़र्क होता है, छोटा मॉड्यूल एकदम छोटा और ताजमहल बड़ा, लेकिन दिखने में इक्वल रहते हैं, दिखने में एक जैसे रहते हैं, तो वो सिमिलर है, ओके। अगर इक्वल, और एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपके दीवार पे घर में, देखिए बहुत बच्चे लोग के घर पे कभी कभी ऐसे बटरफ्लाई रहते हैं, लगाए रहते हैं, 1, 2, 3, 4 बटरफ्लाई ऐसे लाइन में रहते हैं, तो एक बटरफ्लाई बड़ा रहता है, दूसरा उससे छोटा रहता है, तीसरा उससे भी छोटा, चौथा उससे भी छोटा, लेकिन दिखने में सभी एक जैसे रखते हैं डिक्टो, लेकिन इक्वल नहीं रहते, एक छोटा है एक बड़ा है लेकिन दिखने में एक जैसे है, तो उनको हम क्या कह सकते हैं, सिमिलर है। देखो, इक्वल ट्रायंगल है, समझो ये एक ट्रायंगल है मेरे पास और ये दूसरा ट्रायंगल है, इक्वल है, ये ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल पे रखा, एक दूसरे को एकदम परफेक्टली मैच हो गए, तो ये इक्वल है। अगर नहीं मैच हुए तो वो सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी ये चार प्रॉपर्टी देखते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 1.1 देखते हैं। खाली मैं सिमिलरिटी और इक्वलिटी का लिटी में का आपको शुरुआत में जो डिफरेंस है वो बताया। देखो, पहले वाली प्रॉपर्टी क्या है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ, देखो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। देखो, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बोले तो डिवाइडेड बाय एक ट्रायंगल का एरिया अपॉन दूसरे ट्रायंगल का एरिया, इनका जो रेशियो है वो कैसे रहता है कि इज इक्वल टू देयर द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, उनका बेस और हाइट इनका मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट है ना, उसके रेशियो के बराबर रहता है। तो ये हम प्रूव करते हैं, ये लिखने में कैसे लिखेंगे, ये फॉर्मूला ज्योमेट्री में क्या रहता है, मालूम है दोस्तों, आपके पास डायग्राम रहती है, आपके पास फिगर रहती है और उसका ऑब्जर्वेशन करके आपको उसका ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसके ऊपर आधारित कौन कौन से फॉर्मूला बनते हैं वो लिखना पड़ता है। तो यहाँ क्या फॉर्मूले बनते हैं, देखो क्या निकालना है मुझे, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल जो है मेरे पास उनके एरिया का रेशियो, समझो मेरे पास, देखो ये दो ट्रायंगल जो है, एक है मेरे पास ट्रायंगल ABC है, ABC, और दूसरा ट्रायंगल PQR, अभी उनका एरिया का रेशियो निकालना है तो उसके पहले एरिया का फॉर्मूला आप लिखो। चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला रहता है, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल कितना रहता है, 1/2 × बेस × हाइट, ये हमें मालूम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो हम क्या निकालते हैं अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये जो एक ट्रायंगल है, और दूसरा PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इनके एरिया का रेशियो,
एबीसी का एरिया पी क्यू आर का एरिया, उनका रेशियो, बिकॉज हमें क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। अभी एक एबीसी और दूसरा पी क्यू आर, एबीसी का एरिया ऊपर, पी क्यू आर का एरिया नीचे, दोनों का रेशियो बोले तो डिवाइडेड बाय। अभी ये रेशियो क्या है, क्या बनेगा, देखो ये रेशियो बनेगा एबीसी इज इक्वल टू, एबीसी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। एबीसी का बेस क्या है, बीसी, और हाइट क्या है, एडी। बेस है बीसी इंटू हाइट क्या है बाबा, एडी है, और डिवाइडेड बाय पी क्यू आर ट्राइंगल है। पी क्यू आर का बेस क्या, क्यू आर, देखो ये पी क्यू आर है तो इसका बेस क्यू आर, गलती से भी एस आर मत लिखो, क्यू आर ही बेस है। तो 1/2 इंटू बेस मेरे पास क्यू आर है, और उसकी हाइट क्या है, ये पी से एकदम परपेंडिकुलर पी एस, तो पी एस हाइट हो गई, ठीक है। 1/2 इंटू बी सी इंटू एडी डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एस। अभी 1/2 कॉमन है, कैंसिल हो गए, और ऊपर बच गए बी सी इंटू एडी, और नीचे बच गए क्यू आर इंटू पी एस। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी इंटू एडी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। बी सी इंटू एडी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस मतलब क्या, बी सी क्या है, ये बेस है ट्राइंगल ए बी सी का, और एडी क्या है, हाइट, तो बेस इंटू हाइट आ गया। ओके, ऊपर क्या हो गया, ए बी सी का बेस इंटू ए बी सी की हाइट हो गई, और नीचे पी क्यू आर ट्राइंगल का बेस क्यू आर, और उसकी हाइट पी एस। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है दोस्तों। देखो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया इसके इसके ऊपर आधारित, तो आपको खाली ये फॉर्मूला लिखना है। और ये फॉर्मूला कैसा आया, मैं खाली ये एक्सप्लेन करके आपको बताया। देखो ये हो गया ना, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कैसे रहता है, इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। बेस और हाइट बोले तो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, ए बी सी का बेस इंटू हाइट अपॉन पी क्यू आर का बेस इंटू हाइट। तो अपने भाषा में अगर समझ में लेना है इस फॉर्मूला को, या फिर इस कंसेप्ट को, तो हम ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। ओके, अभी अगला देखो प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी क्या है, इफ हाइट्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्राइंगल की हाइट इक्वल है तो उनका रेशो क्या होगा। देखो दो ट्राइंगल का तो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट आता है। अभी देखो मेरे पास यहाँ ये एक नंबर का ट्राइंगल है, ये दो नंबर का, और दूसरा एक बड़ा तीन नंबर का ट्राइंगल भी है बड़ा। तो मैं क्या करूंगा, अभी ए बी सी अपॉन ए डी सी का रेशो निकालूंगा। चलो ए बी सी और ए डी सी का रेशो, तो ये रेशो क्या आएगा, इन दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन है। देखो ये जो दो ट्राइंगल है ए बी सी, ये एक नंबर का ट्राइंगल, उसका बेस बी सी और हाइट ए सी है। दो नंबर का ट्राइंगल है, उसका बेस सी डी और हाइट ए सी है। ये दोनों ट्राइंगल की, एक नंबर और दो नंबर ट्राइंगल की हाइट ए सी कॉमन है, तो इसकी हाइट कॉमन है, तो उसका रेशो क्या, डायरेक्टली बेस अपॉन बेस आप लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखने का बेस अपॉन बेस। लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व कर दिखाऊंगा। देखो एरिया का रेशो हम क्या लिखते हैं, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, इस फॉर्मूले का। चलो ये फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। ए बी सी का बेस क्या, बी सी इंटू उसकी हाइट क्या है, ए सी, और डिवाइडेड बाय दो नंबर का जो नीचे का ए डी सी ट्राइंगल है, ए डी सी, उसका बेस क्या, सी डी, और हाइट क्या, ए सी। बेस ए सी डी इंटू हाइट ए सी। देखो ए सी ए सी कॉमन है, कट हो गए, ऊपर क्या रह गया, बी सी, और नीचे क्या रह गया, सी डी। ऊपर का बी सी मतलब ये एक नंबर के ट्राइंगल का बेस, और नीचे का सी डी मतलब दो नंबर के ट्राइंगल का बेस, तो बेस अपॉन बेस आया। इन दोनों का रेशो क्या आया, बेस अपॉन बेस। एग्जाम को ये नहीं लिखना, डायरेक्टली आप लिख सकते हो बी सी अपॉन सी डी, बिकॉज एग्जाम को चलो ये इसका वैल्यू दो दिया, इसका वैल्यू फोर दिया, तो हम 2/4 लिख सकते हैं, 1/2 आपका आंसर आ सकता है। तो इसके ऊपर के एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो, 3 क्या है, एक तो हमें दो तो प्रॉपर्टी देखी कि अगर हाइट कॉमन तो रेशियो बेस अपॉन बेस। अभी यहाँ क्या बाबा, इफ बेस ऑफ बोथ ट्राइंगल आर इक्वल, अगर दो ट्राइंगल का बेस इक्वल है तो रेशियो क्या, हाइट अपॉन हाइट आएगा। बेस इक्वल तो रेशियो हाइट अपॉन हाइट। देखो एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये देखो ये ए बी सी भाई साहब दिखे, उसका बेस बी सी है, और दूसरा बी सी डी, ये बी सी डी भाई साहब देखे, इसका भी बेस बी सी है, दोनों का बेस बी सी, तो रेशो क्या आएगा, हाइट अपॉन हाइट। ए बी सी की हाइट क्या बाबा, ये जो ए बी सी ट्राइंगल है उसकी हाइट ए बी है, और नीचे जो बी सी डी ट्राइंगल है उसकी हाइट सी डी है। लेकिन हम कैलकुलेट करके लिखते हैं, सबसे पहले ये फॉर्मूला का यूज़ कर इसके आधार पर हम लिखते हैं। ए बी सी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, ए बी सी अपॉन बी सी डी, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो जो रहता है वो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। ए बी सी का बेस क्या, बी सी, और हाइट ए डी है, बी सी इंटू ए डी, और डिवाइडेड बाई बी सी डी जो है हमारे पास ए ट्राइंगल, उसका बेस क्या, बी सी, और हाइट क्या, सी डी है, बी सी इंटू सी डी है। तो अभी बी सी बेस कैंसिल हो गया, और ए डी अपॉन सी डी आ गया, ठीक है।
AD अपॉन CD, AD ABC की हाइट अपॉन CD जो है वो BCD का हाइट, तो क्या आ गया हाइट अपॉन हाइट रेशियो। दो ट्रायंगल का अगर बेस कॉमन तो रेशियो हाइट अपॉन हाइट। तीन फॉर्मूले देखो, रट्टा मार के लो, ध्यान में रखो। दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या आता है, बेस अपॉन हाइट अपॉन बेस अपॉन हाइट। अगर दोनों का बेस कॉमन तो रेशियो हाइट अपॉन हाइट, ओके। बेस कॉमन तो रेशियो हाइट अपॉन हाइट, हाइट कॉमन तो रेशियो बेस अपॉन बेस, ओके, ध्यान में आया। अभी चौथा वाला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इफ बेस एंड हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल देन देयर रेशियो आर इक्वल। देखो रेशियो आर इक्वल और उसी के साथ उनका रेशियो इक्वल रहता है और रेशियो 1:1 रहता है और वो ट्रायंगल का एरिया जो है वो भी क्या रहता है, इक्वल होता है। देखो दो ट्रायंगल के अगर बेस और हाइट दोनों कॉमन है तो उनका रेशियो 1:1 रहता है, ये ध्यान में रखो। और दूसरी बात, उनका एरिया इक्वल रहता है, एरिया भी इक्वल रहता है और रेशियो 1:1 रहता है, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टी। पहली वाली प्रॉपर्टी, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। अगर दोनों की हाइट कॉमन तो रेशियो आता है बेस अपॉन बेस, अगर दोनों का बेस कॉमन तो रेशियो आता है हाइट अपॉन हाइट, और बेस और हाइट दोनों कॉमन तो रेशियो 1:1 आता है और उनका एरिया इक्वल रहता है। तो ये सभी प्रॉपर्टी, में थोड़ा सा बाजू में होता हूँ, ये प्रॉपर्टी अगर आपको लिखना है, लिख कर लेना है तो लिख कर ले सकते हो, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सारी प्रॉपर्टी होगी थी। अभी हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 तक जाएंगे। देखिए 11.5 मिनट की वीडियो हो गई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा, मैं डिटेल्स में बताने का प्रयास करूँगा। शॉर्टकट नहीं ले लेना, डिटेल्स में लेना है, धीरे धीरे से हमें आगे जाना है, धीरे धीरे से हमको मैथ्स में इंटरेस्ट बिल्ड करना है। तो अभी देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 में से कुछ एग्जांपल। यस, तो देखते हैं अभी ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट जो है 1.1, उसमें से ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक से हमें इसे पढ़ना है। सबसे पहले बताया है कि बाबा बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 और उसका हाइट जो है वो 5 है। बोले तो एक ट्राइंगल है उसका बेस 9 है और हाइट जो है उसका 5 है, और बेस ऑफ अनदर इज 10। अनदर ट्रायंगल, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, दूसरा जो ट्रायंगल है उसका जो बेस है वो 10 है और हाइट जो है 6 है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स। अभी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या रहता है आपको मालूम है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। पहले वाली प्रॉपर्टी, कौन से भी दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, ओके। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज A1, समझो एक पहला वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया A1, उसका बेस जो है उसको हम B1 कहेंगे और उसका हाइट जो है उसको हम H1 कहेंगे। हाइट जो है उसको हम क्या कहेंगे, H1 कहेंगे, ओके। और दूसरी बात, एरिया ऑफ दूसरा एक ट्रायंगल है ट्रायंगल 2 इज A2, उसका एरिया A2, उसका बेस हम कहेंगे B2 और उसका हाइट हम कहेंगे H2 कहेंगे, ओके। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीके से ध्यान में रखना है। एक का एरिया A1, हाइट बेस B1, हाइट H1, दूसरे का एरिया A2, बेस B2, हाइट H2, हो गया, बाकी कुछ नहीं। देखो अभी मेरे पास B1 कितना है, पहले वाले का बेस क्या है 9 है, इज इक्वल टू 9। H1 कितना है, पहले वाले का हाइट 5 है तो 5 लिखो। B2 कितना है, दूसरे वाले का बेस, दूसरे ट्रायंगल का बेस 10 है और H2 दूसरे ट्रायंगल की हाइट है 6। अभी मेरे पास एरिया का रेशियो जो है A1 अपॉन A2, एरिया का रेशियो क्या होता है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, पहले वाली प्रॉपर्टी। तो A1 का बेस B1 और हाइट H1 अपॉन A2 का बेस B2 और हाइट क्या हो गई H2। अभी B1 इंटू H1 9 इंटू 5 लिखो और B2 अपॉन H2 बोले तो 10 इंटू 6 लिखो। 9 5 45, 10 6 60, 60 और 45 15 के टेबल में आते हैं, 15 3 45, 15 4 60, बोले तो 3 अपॉन 4, ये आ गया मेरा आंसर, बोले तो इसका रेशियो 3:4 ये बन गया। तो इस तरीके से एकदम चिंदी है दोस्तों, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अभी अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा है। देखो इसमें क्या बताया है, देखो यहाँ CB परपेंडिकुलर AB है और उसी के साथ AD परपेंडिकुलर AB है। अभी ये ट्रायंगल, एक ऊपर वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल, ज्योमेट्री में ना आपको वो जो डायग्राम है ना, उन डायग्राम का हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करना है।
चश्मा डाल के ऑब्जर्वेशन करो या फिर चश्मा निकाल के करो, लेकिन ऑब्जर्वेशन करो। ओके, देखो अभी क्या है, ये ऊपर वाले ट्रायंगल का हाइट BC है और उसका बेस AB है। ओके, नीचे वाले ट्रायंगल का हाइट AD है, इसको उल्टा हिस्सा लटकाया है। अगर समझो एक आदमी है, इसका सिर यहाँ और पाँव ये नीचे है, अगर इसको उल्टा लटकाया तो इसको पाँव और इसको सिर कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, इसको ही सिर कहेंगे और इसको ही पाँव कहेंगे। वैसे ये बेचारों को उल्टा लटकाया है, ये देखो इसका सिर है, सिर अगर यहाँ तो पाँव बोले तो बेस उसका क्या आ गया? ए बी आ गया। तो नीचे वाले ट्रायंगल का हाइट ए डी और बेस ए बी। अभी देखो दोनों ट्रायंगल के बारे में अगर देखा, ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस ए बी है और नीचे वाले ट्रायंगल का भी बेस ए बी है, ये दोनों ट्रायंगल का बेस कॉमन है। अगर बेस इक्वल तो हाइट का तो रेशियो क्या आएगा? हाइट अपॉन हाइट। अगर दो ट्रायंगल का बेस इक्वल तो रेशियो हाइट अपॉन हाइट। लिखो ऊपर वाला ट्रायंगल ए बी सी जो है, ये ए बी सी ट्रायंगल, उसका बेस क्या? बी सी लिखा, बिकॉज ए बी सी और नीचे वाला ट्रायंगल ए डी बी, ये दोनों का ए बी बेस कॉमन है, तो बेस कॉमन तो रेशियो हाइट अपॉन हाइट। ए बी सी की हाइट बी सी और नीचे वाले ट्रायंगल की हाइट ए डी हो गए, ठीक है, बिकॉज बेस कॉमन, कॉमन बेस, कॉमन बेस, या फिर लिखो ट्रायंगल हैविंग कॉमन बेस। अभी बी सी कितना मेरे पास? 4 है, और ए डी कितना मेरे पास? 8 है। 4 × 4 = 8, एकदम चिंदी क्वेश्चन, क्या है ये? कुछ चंद सेकंड में आंसर आया है हमारा। अभी ये देखो, ये भाई साहब देखो, ये थोड़ा सा दिमाग को का दही करने वाला एग्जांपल है। देखो यहाँ क्या है, ट्रायंगल तो एक ही बड़ा है हमारे पास, ग्रैंड है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। ओके, ये देखो पी क्यू आर ट्रायंगल। अभी इसमें मेरे पास पी एस परपेंडिकुलर आर एस दिया है और उसी के साथ पी आर परपेंडिकुलर टी क्यू दिया है। अभी इसका बेस क्या है ये ट्रायंगल का? देखो आर क्यू अगर मैं बेस कंसिडर करता हूँ तो हाइट पी एस हो गई। ओके, अगर इसको मैं उल्टा किया तो देखो यहाँ भी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब इसको भी आप हाइट कंसिडर कर सकते हो, तो ये पी आर बेस होगा तो ये हाइट होगी, और ये बेस होगा तो ये हाइट होगी। तो आपको ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला दो तरह से लिख सकते हो इसका, 1/2 × बेस × हाइट, दो टाइप से, दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, और दो अलग अलग तरीके से लिखने के बाद आपको आंसर आएगा। देखो एक चीज बताओ मेरे को, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या रहता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, अगर मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो है उसका बेस अगर मैं आर क्यू कंसिडर किया तो उसका एरिया क्या आएगा? 1/2 बेस आर क्यू आया और इंटू हाइट क्या आ गई? पी एस, ठीक है, आर क्यू अपन पी एस इज इक्वल टू 1/2 आर क्यू कितना मेरे पास? 6 है, और इंटू मेरे पास पी एस कितना है? 6 है, तो 1/2 × 6 = 36, और 36 को 2 से डिवाइड करो 18 हो गया, तो इसका एरिया 18 स्क्वायर यूनिट कुछ भी होगा, 18 स्क्वायर यूनिट होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, कुछ भी होगा। ओके, अभी ये आ गए आप एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो है, ज़रा मैं थोड़ा सा जो अक्षर है उसको ज़रा बड़ा निकालता हूँ, मतलब आपको ठीक से दिखाई देगा। देखो पहले मुझे क्या लिखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या है? आर क्यू, और हाइट क्या है बाबा? पी एस। ओके, तो 1/2 आर क्यू 6 इंटू पी एस भी 6 था, और 1/2 × 6 = 36, और 36 के हाफ हो गए 18। ये पी क्यू आर का एरिया 18 आ गया है, 18 स्क्वायर स्क्वायर यूनिट हो गया, ठीक है। तो अभी इसका एरिया दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2, अगर बेस मैंने पी आर को पकड़ा तो हाइट टी क्यू हो गई, पी आर इंटू टी क्यू। ओके, बिकॉज इफ बेस, बेस इज इक्वल टू क्या था? इफ बेस इज इक्वल टू आर पी, अगर मैंने आर पी या फिर पी आर को बेस लिया तभी। अभी इसका एरिया कितना? ऑलरेडी 18 है, तो यहाँ 18 लिखता हूँ मैं, 1/2 भाई साहब अपने जगह पे, पी आर कितना है मेरे पास? पी आर दिया है 12, और टी क्यू मतलब क्या? क्यू टी निकालना है, टी क्यू मतलब क्यू टी जो है मुझे निकालना है, क्यू टी। अभी 18 अपने जगह पे, 2 × 2 = 6 × 12, और इंटू क्यू टी, क्यू टी निकालनी, 6 मल्टीप्लाई यहाँ आया डिवाइडेड बाय 18/6 इज इक्वल टू क्यू टी, सो देयर फॉर क्यू टी इज इक्वल टू क्या? 6 × 6 = 6, 3 = 18, क्यू टी इज इक्वल टू आपके पास आया 3, तो मुझे क्यू टी निकालना था, क्यू टी आ गया। तो ये तीन एग्जाम्पल तो हो गए दोस्तों। तो अभी एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 दो ही एग्जाम्पल बचे हैं, वो अभी लेंगे हम। लेकिन आगे जाने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो
तो प्लीज़ अभी के अभी अपना चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ओनली सब्सक्राइब ही मत कीजिए, उसके बाजू में एक बेल का बटन है वो भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप घर बैठे मैथमेटिक्स सीख सकते हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, यस यस। तो देखो अभी ये डायग्राम में, देखो ये डायग्राम में क्या बताया है आपको, सबसे पहले यहाँ ऊपर का एक पॉइंट है जो बी है, बी, ये देखो यहाँ हमारे पास बी है। ओके, बी है या डी है, यहाँ तो डी है। ओके, तो यहाँ क्या बताया है कि ए डी परपेंडिकुलर पैरेलल बी सी है, ए डी और बी सी पैरेलल है, और उसी के साथ ए पी परपेंडिकुलर बी सी, ए पी और बी सी परपेंडिकुलर है, और ए डी और बी सी पैरेलल है एक दूसरे को। ठीक है, तो हमें ये दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो निकालना। सबसे पहले ए बी सी जो ट्राइंगल है ये देखो ये, और दूसरा जो है बी सी डी, बी सी डी ये ट्राइंगल, तो इनका रेशो देखो। सबसे पहले एक चीज़, एक बात को सोचो कि ये दो ट्राइंगल पैरेलल लाइन में आते हैं, ए डी और बी सी पैरेलल है, पैरेलल लाइन में। तो जो ट्राइंगल पैरेलल लाइन में आते हैं उनकी हाइट इक्वल रहती है, तो ये दोनों भी ट्राइंगल की हाइट इक्वल है। देखो ए बी सी की अगर हाइट देखी तो ए पी है, और यहाँ अगर मैंने ये जो ट्राइंगल दूसरा है बी सी डी उसकी हाइट निकाली, तो ये यहाँ से ऐसी परपेंडिकुलर आएगी, उसको समझो मैं डी एम कहूँगा, तो डी एम और ए पी इक्वल हो गए, तो इनका हाइट इक्वल रहता है। बेस अगर देखा, हाइट तो इक्वल है, तो बेस अगर देखा तो ए बी सी का बेस आपका क्या बी सी है, और उसी के साथ ए बी डी सी जो है उसका बेस भी बी सी, तो इन दोनों की हाइट भी कॉमन है और बेस भी कॉमन है, दोनों का बेस बी सी है, बेस भी कॉमन, हाइट और बेस दोनों इक्वल हो गए या फिर कॉमन हो गए, तो रेशियो क्या आता है, 1/1 आता है। मैंने बताया था चौथी प्रॉपर्टी, देखो पीछे जाकर देखो, जो चार प्रॉपर्टी मैंने बताई थी उसमें से चौथी प्रॉपर्टी थी, अगर दो ट्राइंगल का बेस और हाइट दोनों भी कॉमन है तो वो दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो जो है वो 1/1 आता है या फिर इक्वल आता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1/1, बिकॉज बेस एंड हाइट ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल या फिर कॉमन, कुछ भी लिखो। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1:1, ये रेशियो आया, कहानी खत्म। एकदम आसान है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आ सकता है ये क्वेश्चन, एक मार्क को आ सकता है। अभी ये देखो, ये भाई साहब बहुत बड़े है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा है लेकिन एकदम शांत से तरीके से हमें देखना है। हमें देखो यहाँ क्या क्या दिया है, देखो यहाँ कौन से ट्राइंगल दिख रहे हैं। देखो क्वेश्चन को बाजू में रखो, क्वेश्चन को थोड़ा सा बाजू में रखो, क्या निकालना है वो बाजू में, लेकिन यहाँ कौन से ट्राइंगल है। देखो एक बड़ा भाई साहब, ये बड़ा ट्राइंगल है जो है ए बी सी, ये बड़ा ट्राइंगल, ठीक है, तो इसका बेस क्या होता है बी सी होता है, और हाइट क्या होगी ए डी। दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, देखो यहाँ एक दिख रहा है पी बी सी दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिखा, इसका हाइट क्या पी क्यू और बेस क्या है बी सी। चौथा ट्राइंगल कौन सा है ए डी सी, ये देखो सॉरी दूसरा ए डी सी दिखा है, इसका बेस डी सी हाइट ए डी, और एक है ए डी बी, इसका बेस बी डी और हाइट क्या है बाबा ए डी है, और तीसरा है पी क्यू सी, इसका बेस क्यू सी हाइट क्या है पी क्यू, और ये चौथा ये देखो छोटा है पी क्यू बी, बेस बी क्यू हाइट पी क्यू, हाइट पी क्यू। तो इतने सारे ट्राइंगल हैं, तो अभी देखते हैं किसका रेशो निकालना है। एक तो पी क्यू बी, पी क्यू बी बोले तो ये देखो ये छोटा वाला ट्राइंगल, और उसके साथ पी बी सी, पी बी सी बोले तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो अभी ये दो ट्राइंगल में क्या कॉमन है, ये छोटा, अभी देखो इसको ऊपर वाले को जरा भूल जाओ इसको, ये ऊपर वाले को, अभी हम क्या देखो ऊपर वाले को, मतलब ये देखो अभी मैं जरा है ना एक चीज़ इसको थोड़ा सा बाजू में रखते हैं, आपको अभी क्या करना है, देखो ये नीचे वाला जो ट्राइंगल दिखता है ना, खाली इसके बारे में, ये दो ट्राइंगल के बारे में सोचना है, एक तो ये ब्लू कलर का ट्राइंगल और एक तो एक बड़ा ट्राइंगल, हाँ ये दो ट्राइंगल में क्या कॉमन है, देखो ब्लू वाले ट्राइंगल का बेस बी क्यू है, और ये बड़ा जो ट्राइंगल दिख रहा है इसका बेस क्या है बी सी है, तो बेस इक्वल है क्या, नहीं इक्वल, ये ब्लू वाले ट्राइंगल का हाइट क्या है पी क्यू है, और ये जो बड़ा वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है उसका हाइट क्या है पी क्यू है, तो दोनों का हाइट पी क्यू इक्वल है, ये दोनों भी ट्राइंगल का हाइट जो है ना पी क्यू क्या है इक्वल है, बराबर ना, छोटे ट्राइंगल का हाइट पी क्यू और बड़े ट्राइंगल का भी हाइट क्या आता है आपका पी क्यू, हाइट इक्वल, तो रेशो क्या आएगा बेस अपॉन बेस, अगर दो ट्राइंगल की हाइट कॉमन है तो उसके एरिया का रेशो बेस अपॉन बेस आता है। तो पी क्यू बी का ये छोटे वाले ट्राइंगल का बेस क्या बी क्यू, अपॉन पी बी सी जो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसका बेस क्या है बी सी,
ओके, ट्राइंगल हैविंग, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन हाइट, ओके कॉमन हाइट थी उनकी। अभी दूसरा देखो पीबीसी, फिर से ये पीबीसी, ये देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल समझो इसको, ये छोटा है, और दूसरा एबीसी और भी बड़ा वाला ट्रायंगल, उससे भी बड़ा वाला ट्रायंगल। तो अभी ये दो ट्रायंगल में क्या है, देखो ये छोटा वाला जो दिख रहा है आपको पीबीसी, उसका बेस बीसी है, और बड़े वाले ट्रायंगल का भी बेस बीसी है, तो दोनों का बेस कॉमन है, तो बेस कॉमन तो रेशो क्या आएगा, हाइट अपॉन हाइट। तो ये छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट क्या है अभी बाबा, इसका हाइट क्या पी क्यू है, और उसके साथ बड़े वाला जो ट्रायंगल आपका एबीसी है उसका हाइट क्या है, एडी है, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा ट्रायंगल हैविंग, ओके ट्रायंगल हैविंग कॉमन हाइट, ओके जो जो ट्रायंगल है उसकी जो हाइट है वो हाइट जो है वो कॉमन है, ओके तो ये ट्रायंगल का स्पेलिंग अपना गलत दाया गया। तो ट्रायंगल हैविंग कॉमन हाइट, सॉरी यहाँ हाइट नहीं कॉमन, बेस कॉमन है, मैंने हाइट लिखा बेस कॉमन है, बेस जो बीसी कॉमन था इसलिए रेशो क्या आया, हाइट अपॉन हाइट। पीबीसी का हाइट पीक्यू और एबीसी का हाइट आ गया एडी। अभी एबीसी और एडीसी, एबीसी ये बड़ा वाला ट्रायंगल है और उसके साथ एडीसी बोले तो ये ब्लू कलर का अपना ये ट्रायंगल, ठीक है ये ट्रायंगल में देखेंगे। अभी बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका बेस क्या है, बीसी, और ये छोटा वाला दिख रहा है ट्रायंगल उसका बेस डीसी, तो बेस कॉमन नहीं। हाइट देखते हैं, एबीसी की जो हाइट है, देखो ऊपर वाला ट्रायंगल एबीसी उसकी हाइट एडी है, और एडीसी जो ये छोटा ब्लू कलर का ट्रायंगल दिख रहा है उसकी हाइट क्या है, एडी है, तो दोनों की हाइट एडी कॉमन है, हाइट कॉमन तो रेशो बेस अपॉन बेस। तो अपना एबीसी का बेस क्या आ गया, ऊपर एबीसी है उसका बेस आ गया बीसी, ये बीसी, और नीचे वाला जो एडीसी है उसका बेस आ गया डीसी, ठीक है, बिकॉज अभी क्या कॉमन है, दोनों ट्रायंगल का हाइट कॉमन है, हाइट कॉमन। अभी दूसरे देखो दो ट्रायंगल है, एक एडीसी, एडीसी बोले तो ये ब्लू वाला, और दूसरा है पीक्यूसी, पीक्यूसी बोले तो ये वाला, ये दो ट्रायंगल है। अभी ये दो ट्रायंगल में क्या कॉमन है, देखो ये ग्रीन वाला ट्रायंगल और ये ब्लू वाला ट्रायंगल, ऊपर का एडीसी का जो ट्रायंगल है उसका बेस क्या डीसी है, और नीचे वाला पीक्यूसी जो ट्रायंगल है उसका बेस क्या क्यूसी, बेस कॉमन नहीं है, इक्वल नहीं है। हाइट देखा तो ये ब्लू वाले ट्रायंगल का हाइट AD और इसका हाइट PQ, हाइट कॉमन है का हाइट भी कॉमन नहीं, बेस भी कॉमन नहीं, हाइट भी कॉमन नहीं, तो रेशो क्या होगा, दो ट्रायंगल का रेशो पहले वाली प्रॉपर्टी, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। तो ADC का मेरे पास बेस क्या है, ये जो ADC का बेस DC और हाइट AD, तो DC इंटू AD और डिवाइडेड बाय PQC, जो मेरे पास ट्रायंगल है ग्रीन कलर का उसका बेस QC और हाइट क्या PQ, बेस QC इंटू हाइट क्या बाबा PQ। तो यहाँ लिख सकते हो एरिया ऑफ रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा बाजू में होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट अगर मार्कर लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है यस। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 हो गया, और कुछ प्रॉपर्टी भी देखे हमने। अगले प्रैक्टिस सेट में, अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 देखेंगे और उसके 1.2 देखेंगे, और उसके पहले कुछ प्रॉपर्टी है वो भी हम देखेंगे, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी हम देखने का प्रयास करके, ओके। तो अगली वीडियो आप तक पहुँचे ऐसा अगर आपको लगता होगा तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए बच्चे हैं अभी जुड़े हैं तो आपको रिक्वेस्ट है कि अभी क्या भी अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है वो भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ रुकते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 1.2 के साथ। थैंक यू।